बात करेंगे मुल्क भर में होने वाली बारिशों की। तो आपको बताएं कि बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स आज और कल से बंद रहेंगे। तफसीला जानते हैं ईसा तरीन से। ईसा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता दो रोज़ से जारी है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान भर में शदीद बारिश हुई है। हुकूमत बलूचिस्तान ने किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए उन्होंने हंगामी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम तालीमी इदारे दो दिन के लिए बंद कर दिए हैं। कौमी शाहराह की सूरत हाल ये है कि जो मुल्क से आने वाली बड़ी कौमी शाहराह है वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, जिसकी वजह से सूबे का दिगर इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया। इस तरह क्वेटा शहर में कल शाम होने वाली शदीद बारिशों की बहस पूरे शहर में तुगयानी की सूरत हाल थी। घरों में पानी दाखिल हो गया था, नदी नाले वो तमाम शहर जो है और नदी नालों का मंजर पेश कर रहा था। पी डी एम ए और दूसरे जो हुकाम है वो भी घरों से पानी निकालने और उनको कसर देने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। तमाम बारिशें इतना शदीद है कि जिसकी वजह से जो इमदादी काम है उनमें बड़ी मुश्किल का सामना है। दूसरी जानब हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम तालीमी इदारे दो दिन के लिए बंद कर दिए हैं। मुकमे सर बलूचिस्तान ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी, तमाम डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ को तलब कर दिया, अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है, बाद इलाकों में ज़्यादा बारिश भी हुई जिसकी वजह से जो ठीक है। बहुत शुक्रिया ईसा तरीके।